क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 4 जुलाई 1776 में। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी 4 जुलाई 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को। अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में। प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, उसकी स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यूएसए में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? सन 1863 में। 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, मतलब जड़ से इनको समाप्त किया, दास प्रथा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन होता है उसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? लुई 16, लुई 16 थे उनके कार्यकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई वो 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के देने फ्रांस की राज्य क्रांति की? समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।